मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रूपमपट्टी चौक के एक होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए हर्ष फायरिंग के मामले में सकरा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रूपमपट्टी स्थित एक होटल की है, जहां कल देर शाम सकरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति अपनी नतनी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं बर्थडे पार्टी के दौरान बर्थडे पार्टी में पहुंचे लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की घटना की गई, जिससे कुछ समय के लिए आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सकरा पुलिस को दी, जिसके बाद सकरा पुलिस ने तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से 11 लोगों को धर दबोचा है। सकरा में एक मामला 11 अरेस्टिंग है सर, शराब पार्टी वगैरह। सकरा थाना अंतर्गत एक होटल में शराब पार्टी के दरमियान हर्ष फायरिंग का एक मामला संज्ञान में आया है। इस कांड के जो भी आरोपी हैं उनकी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। कुल 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, हथियार भी जब्त किए गए हैं, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सर हथियार है, लाइसेंस थी या गैर लाइसेंस थी? हम लोग उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हैं। उनका दावा है क्या मामला है? मामला ये लोग 11 आदमी जो है सो एक बर्थडे पार्टी में आए थे, जहाँ होटल में खाना खा के उनके बॉडीगार्ड के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, यही मामला है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 11 लोगों को। और कितने लोग हर्ष फायरिंग किया गया? एक आदमी जो बॉडीगार्ड थे वही किए। अच्छा ये बताइए, जो हर्ष फायरिंग किए थे वो गैर लाइसेंसी या लाइसेंसी था? तो क्या सगर थाना द्वारा क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं एक ही आदमी को जो है